आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स कैसे क्रिएट किया जाता है हम आपके साथ बात करेंगे। किसी भी डेटा को आप जो है कैसे क्रिएट करेंगे ये हम सीखेंगे आपके साथ। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि डिम आर एज ए इंटीजर, तो क्या है यार? देखिए डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन, आर की जगह पे आप एक्स वाई जे बीबीसी अपना नाम अपना गर्लफ्रेंड का नाम सब कुछ डाल सकते हैं, और एज ए इंटीजर हो गया टाइप कि इसमें जो है इंटीजर का ही डेटा स्टोर होगा, कोई और डेटा स्टोर नहीं होगा। समझ गए? तो डिम आर एज ए इंटीजर इसका मतलब हुआ। अब बात आती है कि हम क्यों डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले बात जरिए कि डेटा टाइप की जरूरत होती है डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। जैसे मान लीजिए वीवीए के अंदर मैं 20+30 किया, अब 20+30 का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं सेव होगा, तो सेव करने के मेरे पास दो उपाय है कि मैं यहां रेंज और रेंज में A1.value कर दूं तो A1 के ऊपर डेटा आ जाएगा। A1 के ऊपर क्या आ जाएगा? ये 20+30 स्टोर हो जाएगा। बट A1 हमारा ये हो जाएगा रिजर्व हो जाएगा ना, हो सकता है A1 में पहले से कोई डेटा हो, तो यहां पे हम R लेंगे तो R पे स्टोर होगा। तो R क्या हो गया? एक टेम्पररी फाइल लोकेशन, मतलब एक्सेल आपके हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन के अंदर आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, एक लोकेशन क्रिएट होगा जो कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, और ये टेम्पररी इसलिए होगा कि जब तक ये माइक्रो चल रहा है तभी तक वो विजुअल होगा, जैसे माइक्रो को आप क्लोज करेंगे इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं फंक्शन वगैरह बनते हैं तो इसके हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए इसकी जरूरत तीन चार जगहों में पड़ती है। पहली जगह जैसे इनपुट, अब कोई रिपोर्ट आप बना रहे हैं उस रिपोर्ट में आपको मान लीजिए कि आपने एक मंथली रिपोर्ट बनाया और मंथली रिपोर्ट की आप कोडिंग कर रहे हैं। अब कोडिंग क्या है कि आपको 5-7 जगह उसकी कोडिंग करनी है, किसकी? मंथ की। तो 5-7 जगह पे आपका वो मंथ आएगा और मंथ आप चाहते हैं इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से, आप चाहते हैं कि यूजर जो है इसको इनपुट कर दे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा सर कि जो फाइव जो आपके जो 5-7 ये है लोकेशंस है उसमें आपको 5-7 टाइम इनपुट मैनुअली लिखना पड़ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते कि अपने आप हो जाए। ठीक है, एक ही बार डाले ले ले तो वहां पर यूज हो, तो बार बार जहां से इनपुट लेनी हो वो ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं सर? जी सर। सर एक बार ये थोड़ा डिम और ये इंटीजर एक बार हमें कंफर्म करा दीजिए। मैं बता दूं, डिम डायमेंशन हुआ, इंटीजर टाइप हुआ, इंटीजर में और क्या क्या हो सकते हैं हम आपको बताते हैं। अब दूसरा आता है कैलकुलेशंस में। जैसे मान लीजिए मैं एक करने जा रहा हूं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि A1 के अंदर कॉस्ट है और मुझे B1 में MRP निकालनी है। तो 5% मैन्युफैक्चरर है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर है अपने खरीद पे, और होलसेलर का 15%, रिटेलर का 20% है। तो MRP क्या होगा? तो इसके लिए मेरे पास क्या तरीका है दिखाता हूं, बताता हूं आपको। तो यहां सबसे पहले डिम आर, आर का जगह कुछ भी ले सकते हैं, एज ए हमने डबल किया। डबल क्यों किया? क्योंकि हमें रिजल्ट डेसिमल में मिलने पा रहे, इंटीजर डेसिमल को सेव नहीं करता है इसलिए। अब मैं यहां पे आर इक्वल टू लिया रेंज A2.val, A2 को हमने आर पे रख लिया। अब यहां करता हूं R इक्वल टू R का 0.5% 0.5% 0.05
परसेंट का सिंबल नहीं लेता है इसमें। प्लस फिर कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया और यहां पे 5% के जगह पे 10% हो गया, 5% के जगह पे 10%। तो यहां पे 15% और यहां पे 20%। ठीक है, तो रेंज ए टू डॉट वैल्यू दिया यहां, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि हम वैल्यू को वेरिएबल पे रिप्लेस कर रहे हैं, कर रहे हैं ना सर। हेलो, वरना मुझे इसके लिए अलग अलग सेल लेना पड़ता ना। अगर हम वेरिएबल नहीं लेते तो हमें अलग अलग सेल लेना पड़ता। तो कैलकुलेट होके आप देखिए यहां पे रिजल्ट आ गया, तो सारी कैलकुलेशन इसने बैकएंड में ही कर दी और इसमें सिर्फ एक किसी रेंज का इस्तेमाल भी नहीं किया, इसमें अंदर ही अंदर सारी कैलकुलेशन होगी। अदरवाइज आपको 5% के लिए अलग सेल यूज करना पड़ता, 10% का अलग सेल यूज करना पड़ता, 15% का अलग सेल यूज करना पड़ता। इसलिए क्या हुआ, यही क्या हुआ, अपने आप को कैलकुलेट करके और अपने आप को अपडेट कर लिया, इसलिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। समझ गए, तो वेरिएबल की जरूरत समझ में आ गई आपको क्यों पड़ती है सुधीर जी? हाँ सर आई है, सही तरीके से नहीं आया अभी। मतलब ये समझिए ना कि एक इनपुट को, एक वैल्यू को कई सारे जगहों पे यूज करना है, वो वैल्यू आपने कहीं से लिया है या कहीं से कैलकुलेट किया है, तो उसको आप एक वेरिएबल पे होल्ड कर दोगे, उसको यूज, जैसे मैथमेटिक्स में होता था ना कि एक्स इक्वल टू 100 कर दिया और जहां जहां हमें 100 की जरूरत है वहां वहां एक्स लेते थे ना जी। सेम उसी तरह से यहाँ पे काम होता है कि हमने यहाँ पे आर को मान लिया कि भाई रेंज ए टू की वैल्यू है और जहां जहां हमें आर की जरूरत है वहां ए टू की वैल्यू की जरूरत है वहां वहां हम आर ले रहे हैं और उसी के ऊपर कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। याद रखिएगा वैल्यू रिप्लेस होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने कर दिया आर इक्वल टू 10, एम एस जी बॉक्स के अंदर आप आर करेंगे तो आपको 10 शो करेगा, क्या शो करेगा 10। ठीक है, ठीक। तो इसने लिया और यहां पे सप्लाई कर दिया, लेकिन जब यहां पे r इक्वल टू 20 करेंगे तो क्या होगा, r की जो होगा वो 20 से रिप्लेस हो गया। तो मतलब कि आपने यहां पे 10 लिखा और बाद में फिर अपने c पे क्लिक करके 20 लिख दिया, तो वैल्यू तो 20 रहेगी ना सर। सेम उसी तरह से यहां भी होता है। हाँ, इसमें कैलकुलेशन वगैरह करना हो तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने तरह की वेरिएबल होते हैं उसके देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है डिम बी एज ए बाइट, बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं, नाम कुछ भी ले सकते हैं सर। तो बाइट जो होता है वो क्या होता है, बाइट टाइप होता है, वो बी के ऊपर आप 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक ही स्टोर कर सकते हैं। आपने बी इक्वल टू 300 किया तो स्टोर नहीं होगा, एरर देगा, माइनस भी नहीं होगा प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी होगा डेसिमल नहीं होगा प्लस होगा सॉरी। फिर जाता है डी डिम बी एल एज ए बुलेन, बुलेन बुलेन जो होता है वो क्या करता है, ट्रू फॉल्स को, बी एल इक्वल टू ट्रू फॉल्स को ही कैरी करता है। देखिए ट्रू टू ट्रू फॉल्स लिखा हुआ आ गया। फिर डिम आई एज ए इंटीजर, इंटीजर जो होता है आई के ऊपर आप जो है -32,000 से +32,000 समथिंग आप डाल सकते हैं वैल्यू, बट डेसिमल ए भी नहीं ले सकते। मतलब कि i इक्वल टू आपने अगर 45,000 डाल दिया तो 45,000 को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 32,000 समथिंग तक ही इसका कैपेसिटी है। फिर आता है डिम लॉन्ग, l एज ए लॉन्ग, तो लॉन्ग जो है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है कि इसके ऊपर बड़ी वैल्यू को आप डाल सकते हैं, ठीक है, डेसिमल ए भी एक्सेप्ट नहीं करता है। देन आता है डिम, हमने यहां पे डी एज ए डबल, तो डबल जो है वो क्या होता है कि माइनस प्लस सब लेता है और ए भी लेता है, नेगेटिव ए लेता है आपका, नेगेटिव भी लेता है, पॉजिटिव भी लेता है, डेसिमल भी लेता है, सब कुछ लेता है।
आपके पास अगर डेसिमल वैल्यू है तो आप हमेशा इसी तरह से यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसमें आगे ठीक बढ़ते हैं, है सर। आगे बढ़ते हैं। डिम डीटी एज ए डेट, तो आपको अगर डेट वगैरह डालना है तो डीटी यूज करेंगे। डीटी इक्वल टू, इस पे आप डेट डालेंगे तो डालेंगे टेक्स्ट में, लेकिन वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। फिर आएगा डिम टी एज ए स्ट्रिंग, किसी तरह के टेक्स्ट को डालने के लिए हम नंबर टेक्स्ट कुछ भी डालना चाहते डाल सकते हैं, लेकिन वो नॉन कैलकुलेटिव डेटा होता है। किसी तरह का टेक्स्ट हो गया, किसी तरह का डेटा हो गया, इसको आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। डीम एज ए वी एज ए वेरिएंट, अब वेरिएंट जो होता है वो क्या करता है, वो किसी तरह की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। आप नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। जब आपको पता ना हो कि आपका इनपुट क्या हो सकता है, रिजल्ट आपको हर तरह के रिजल्ट मिल रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर सर? ठीक है सर। क्लियर सर। अब एक क्वेश्चन आता है, जो वेरिएंट ऑलराउंडर सब कुछ ले सकता है, तो मैं वेरिएंट ही क्यों ना लूं, बाकी सब क्यों? इसके दो कारण है। पहला कारण है साइज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है तो एक मेमोरी में एक साइज क्रिएट करता है, जैसे कि बाइट हो गया, बुलेन हो गया, तो बाइट की 2 बाइट होता है, बुलेन का भी 4 बाइट होता है, इंटीजर का 4 होता है, लॉन्ग का 8 बाइट होता है। इसी तरह से आपका 32 बाइट तक जो होता है आपका वेरिएंट का होता है, मतलब कि वेरिएंट सबसे ज्यादा साइज कंज्यूम करता है। अब क्वेश्चन आता है, सर मेरे पास 2 GB का, सॉरी 16 GB, 8 GB का रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क, क्या दिक्कत है टीबी में? ठीक है, तो इस केस में प्रॉब्लम होगा कि एक सब्जेक्ट जो है आपका आरआर बना है, इसकी जो साइज लिमिट है वो आपका 255 KB से ज्यादा नहीं है। अगर 255 KB से ज्यादा अब इसकी साइज अगर होगी तो प्रोसीजर टू लार्ज का एक मैसेज देगा और आपको एरर शो करेगा, इसलिए इसे ज्यादा लेनी चाहिए। दूसरा होता है कन्वर्जेंस का, मतलब कि अगर आप, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और मैक्रो बनाता हूँ, यहाँ पे सब 3, हाँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया डिम एल एज ए लॉन्ग, इससे क्या होगा कि L इक्वल टू, अगर मैंने इस पे डेसिमल डाला या कहीं से डेसिमल आया, तो फिर आपको जो है ना राउंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको राउंड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, राउंड फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें कोई अगर टेक्स्ट एंट्री कर दिया तो टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहां में बताएगा टाइप मिसमैच का एरर। ठीक है, तो इसमें वैलिडेशन का भी इस्तेमाल होता है। समझ गए सर, सुधीर जी, राजेश जी?
जी।